नेक्स्ट देखते हैं फ्रूइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इससे पहले हमने क्या किया था कि सिगमंड के फ्रूइड थ्योरी ऑफ टॉक थ्योरी पे देखा था, इससे पहले वीडियो में आप उसको देखते आ सकते हैं। ये किसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी फ्रूइड थ्योरीज की। अब फ्रूइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या थी अकॉर्डिंग टू फ्रूइड थ्योरी, ये जो है तो कुछ डिफरेंट फैक्टर थे जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते थे, जिसमें आता है कैथेक्सिस और एंटी कैथेक्सिस। ये जो है तो लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फ्रूइड्स साइकोएनालिटिकल थ्योरी, साइकिक जो एनर्जी है वो जनरेट होती है लिबिडो से। लिबिडो मतलब जो जेंडर जिंसी ड्राइव जिसको कहा जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव, तो लिबिडो से। तो फ्रूड ने सजेस्ट किया कि हमारे जो मेंटल स्टेट्स है वो जो है तो इन्फ्लुएंस होते हैं दो कॉम्पिटेंट कॉम्पिटिंग फोर्सेस से, कैथेक्सिस और एंटी कैथेक्सिस। कैथेक्सिस में क्या आता है कि डिस्क्राइब होता है कि इन्वेस्टमेंट मेंटल एनर्जी का पर्सन में आइडिया ही को ऑब्जेक्ट में, और एंटी कैथेक्सिस यानी कि होता है कि ईगो होता है, ब्लॉकिंग होता है सोशली अनएक्सेप्टेबल नीड्स ऑफ इड। कि आप क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ईगो ब्लॉकिंग, जिसको ईगो ब्लॉक कर रहा है सोशली अनएक्सेप्टेबल नीड ऑफ इट के, कि जो आपके ख्वाहिशात आ रहे हैं उसके थ्रू अनएक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ईगो सोशली। रिप्रेजिंग अर्ड्स डिजायर इन कॉमन वन फॉर्म ऑफ एंटी कैथेक्सिस, बट दिस इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। और लेकिन इसको एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी माना गया। मिसाल एक दीजिए कि अगर आप भूखे हैं, मिसाल के तौर पर आप एक क्रिएट किए मेंटल इमेज ऑफ डिलीशियस मील, कि आपने एक मतलब बहुत जायकेदार गिजा था आपको एक दिमाग में आ रहा है। यू हैव बीन क्रेविंग इन अदर केसेस द ईगो माइट हार्नेस सम एनर्जी फ्रॉम द इड। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है कि एक इड से जुड़ी हुई एनर्जी आ रही है, कि आपको भूख लग रही है तो खाना खाने का दिल कर रहा है, डिजायर डिस्प्रेस एक्सेस एनर्जी फ्रॉम द इड से। तब स्टिकिंग विद द सेम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक्चुअली सीक आउट कर रहे हैं फूड को अपीज करने, आपके हंगर मिटाने, भूख मिटाने, तो आप इंस्टेड ऑफ थंब थ्रो अ कुक बुक और ब्राउज थ्रो योर फेवरेट रेसिपी ब्लॉग। तो आप क्या कर रहे होते हैं, कभी कभार एक ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं कि आप रेसिपी ब्लॉग वगैरह पढ़ रहे होते हैं अपीज करने, हंगर को मिटाने। तो आपके मतलब उंगलियां क्या चलेंगी कुक बुक पर, या ब्राउज करेंगे आप फेवरेट रेसिपी ब्लॉग। मतलब एक मिसाल दे दी गई कि मतलब एक ख्वाहिशात के हिसाब से ये भूख लगी तो समझ लो आप सामने वाले कुक बुक या फिर ब्लॉग्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉइड्स की थ्योरी के हिसाब से देर इज ओनली सो मच लिबिडिनल एनर्जी अवेलेबल, कि बहुत ज्यादा लिबिडल एनर्जी अवेलेबल होती है। तो लॉट ऑफ एनर्जी जब डिवोट होती है सप्रेसिंग अर्जेस से, व्हेन एंटीक एक्सिस देर इज लेस एनर्जी फॉर अदर प्रोसेसेस। तो एंटी कैथेक्सिस में क्या होता है कि जब एनर्जी सप्रेस होती है, लिबिडल एनर्जी अवेलेबल होती है, तो वो एक एनर्जी में आने के बाद में दूसरे में थोड़ी कम बचती है, ऐसा कुछ बता रही है। अब देखते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट क्या होते हैं इसके। फ्रेड ने यह भी बिलीव करता था कि ह्यूमन बिहेवियर ही मोटिवेट होता है दो ड्राइविंग इंस्टिंक्ट से, लाइफ इंस्टिंक्ट और एक डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होता है, जिसको एरोस कहते हैं, एरोस, और डेथ इंस्टिंक्ट को कहते हैं कि थैनेटोस। एरोस क्या होते हैं, ये बेसिक नीड्स होते हैं सर्वाइवल के, मतलब जिंदा रहने, रिप्रोडक्शन आता है इसमें, प्लेजर है, खुशी। दे इंक्लूड सच थिंग्स दैट इज द नीड ऑफ फूड, शेल्टर, लव एंड सेक्स, इस तरह से मतलब ये चीजें उसके अंदर आती है। तो ये लाइफ इंस्टिंक्ट है, मतलब जिंदगी जीने के लिए, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर, रहना हो गया, लव एंड सेक्स, इस तरह से लाइफ इंस्टिंक्ट। और डेथ इंस्टिंक्ट जिसको थैनेटोस कहा गया, ये रिजल्ट है ऑफ एन अनकॉन्शियस विश ऑफ द डेथ, कि अनकॉन्शियस विश करने का डेथ से, विच फ्रूड बिलीव करता है कि ऑल ह्यूमन हैव। तो अनकॉन्शियस होना मतलब जैसे कि गैर इरादी वे में भी कुछ हो रहा है, अनकॉन्शियस मतलब हेल्थ कॉन्शियस यानी कि फिक्र करो और उसकी फिक्र नहीं करता, मतलब मौत की डायरेक्टली ऐसा कुछ हो रहा है अनकॉन्शियस। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ही होता है वन एक्सप्रेशन ऑफ डेथ ड्राइव अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। हाउएवर द ही बिलीव दैट दीज डेथ इंस्टिंक्ट्स वर लार्जली टेम्पर्ड बाय लाइफ इंस्टिंक्ट, और ये बिलीव करता है कि डेथ इंस्टिंक्ट ज्यादातर टेम्पर्ड होते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट से। अब उसके बाद हम ये अगली थ्योरी इसकी देखने वाले हैं, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइके।